वेल हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज मैं प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूंगी कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा का व्यवहारिक आधार क्या है तथा इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन विभिन्न राजनीति के विद्वानों के द्वारा क्यों किया गया है। लेकिन सर्वप्रथम मैं आपको यह अवगत कराना चाहूँगी कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में मैंने एक वीडियो विस्तार से बनाया है, जिसमें आपका जो कंसेप्ट है आदर्श राज्य के परिप्रेक्ष्य में वह क्लियर हो जाएगा कि प्लेटो का आदर्श राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या आधार है तथा उसका क्या कंसेप्ट रहा है। वह यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो सहज ही स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे या इस सेशन में हम देखेंगे कि आदर्श राज्य की जो अवधारणा है वह प्लेटो ने दार्शनिक शासक के हाथों में क्यों दी, क्या वास्तव में प्लेटो का आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार है या ये स्वतंत्रता का निषेध करता है, या शासक वर्ग की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट यदि पूरी तरह से क्लियर हो तो चीज़ों को अधिक अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तव में प्लेटो को जो दार्शनिक शासक है वह समस्त गुणों का आगार प्रतीत होता है और वह मानता है कि जो दार्शनिक सत्ता है वह सर्वकालिक हो सकती है। वह सर्वदृष्टा मानता है दार्शनिक शासक को। इसके अतिरिक्त दार्शनिक शासक सर्वाधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, साहसी, आत्मसंयमी और ज्ञानी है। प्लेटो की यह धारणा है कि आदर्श राज्य का जो शासन है उसका संचालन एक दार्शनिक शासक के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि वह सर्वज्ञाता, सर्वदृष्टा, विवेकशील, ममत्वशील तथा विद्वान व्यक्ति है। बारकर महोदय ने कहा है कि दार्शनिक शासक केवल एक अनुबंध मात्र नहीं है, वरन संपूर्ण विधि के अनुसार आदर्श राज्य के निर्माण की सारी बागडोर आदर्श जो दार्शनिक शासक है उसके ही हाथों में है। कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट थ्योरी का यदि हम क्रिटिकल एवेल्यूएशन करें तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने इसकी बहुत आलोचना की है। जैसे डनिंग महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि जो आदर्श राज्य की अवधारणा है वह पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं जो कि वास्तव में व्यवहार में व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती है। उसी तरह से रसेल महोदय ने कहा है कि आदर्श राज्य की अवधारणा केवल एक रोमांसवाद मात्र है। इसके अतिरिक्त कई विद्वान ये मानते हैं कि आदर्श राज्य की जो अवधारणा है वह एक यूटोपिया की तरह है, यानी एक स्वप्निल संसार है जिसका वास्तव में कोई लेना देना नहीं है, अतः यह केवल एक कल्पना मात्र है, या यूं कहें कि यह एक मृग तृष्णा है। इसी तरह से कई विद्वानों ने यह भी माना है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा स्वतंत्रता का निषेध करती है, यानी प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह एक सर्वाधिकारवादी राज्य है और वह अपने स्वभाव में मानवीय स्वतंत्रता के हित में लेश मात्र भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से इन्होंने उत्पादक वर्ग की उपेक्षा भी की गई है आदर्श राज्य की अवधारणा में प्लेटो के द्वारा, इसलिए भी इस जो आदर्श राज्य की अवधारणा है विद्वानों के द्वारा उसकी आलोचना की गई है। आदर्श राज्य के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न विद्वानों ने ये भी माना है कि कानून की अपेक्षा इसमें की गई है, क्योंकि आदर्श राज्य के कानून को कोई स्थान ना देकर प्लेटो ने बहुत बड़ी भूल की है और वे मानते हैं कि आगे चलकर लॉज में कानून की अनिवार्यता को उसने स्वीकार किया है तथा माना है कि कानून की संपूर्ण उपेक्षा सही नहीं है, यानी कानून की संपूर्ण उपेक्षा के कारण ही प्लेटो के आदर्श राज्य की अत्यंत कठोर आलोचना की जाती है, क्योंकि कानून की इच्छाओं से ही अप्रभावित विवेक है। या यूँ कहें कि जो महानतम शासक है वह कभी भी कानून की उपेक्षा नहीं कर सकता है। कानून यानी अनुशासन, और अनुशासन की स्थापना के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ तक कि एरिस्टोटल ने भी अपनी पुस्तक या अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि प्लेटो की साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के पूर्णतः विरुद्ध है, तथा एरिस्टोटल ने यह भी माना है कि प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तव में व्यवहारिक नहीं है, वरन यह एक विनाशकारी संकल्पना है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही बहुलता है। इन आलोचनाओं के प्रकाश में या परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न उठता है कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य केवल एक कल्पना है, प्लेटोनिक आइडियल स्टेट थ्योरी एंड यूटोपिया, क्योंकि रिपब्लिक में जिस तरह से प्लेटो ने आदर्श राज्य की संकल्पना को निर्मित किया है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या प्लेटो केवल एक स्वप्नदृष्टा मात्र थे, या स्वप्निल संसार में रहते थे, या पूर्ण रूप से विवेक तत्व का अभाव था उनमें। ऐसा नहीं है, प्लेटो एक बहुत ही विद्वान एवं व्यवहारिक व्यक्ति थे। प्लेटो ने स्वयं स्वीकार किया है कि दार्शनिकता
दार्शनिक संकल्पना तथा साम्यवाद दोनों का व्यवहारिकता या दोनों को यानी दोनों का अस्तित्व केवल एक कल्पना मात्र नहीं है वरन इनके व्यवहारिक आधार भी हैं। बारकर ने कहा है या यूँ कहें कि बारकर ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है कि रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान और उपचार दोनों ही केवल किन्हीं काल्पनिक दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर ही सुनिश्चित नहीं किए गए वरन वास्तविकता यह है या यूँ कहें कि व्यवहार यह है कि यूनानी जीवन के तथ्यों का आधार वास्तव में देखने को उस समय में मिलता है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि यूनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर ही दार्शनिक शासक की अवधारणा की संकल्पना को निर्मित किया गया है। अतः प्लेटो के आदर्श राज्य की संकल्पना वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। प्लेटो ने रिपब्लिक में ऐसा माना है कि तत्कालीन शासन प्रणालियाँ स्पार्टा का वर्गतंत्र कीर्तितंत्र और एथेंस का लोकतंत्र सिराक्यूज का निरंकुश तंत्र ये सभी विकृत शासन प्रणालियां हैं और विवेक अविवेक तथा अज्ञान पर आधारित है। अतः इनमें वास्तव में आदर्श का पूर्ण रूप से अभाव है। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के यदि व्यवहारिक आधारों पर देखें या व्यवहारिक आधारों को समझें तो 1000 वर्ष तक यूरोप पर संरक्षकों के एक वर्ग का शासन था जो बहुत कुछ उसी तरह के कंसेप्ट पर आधारित था जैसी संकल्पना प्लेटो ने आदर्श राज्य के परिप्रेक्ष्य में निर्मित की है। इसके अतिरिक्त इसी तरह से राजनीति के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो कैथोलिक धर्म की अधिकांश राजनीति प्लेटो के रॉयल लाइज से ग्रहण की गई है अथवा यूँ कहें कि रॉयल लाइज से प्रभावित है। स्वर्ग नरक पाप से निर्मुक्त करने का जो धारणाएँ हैं या जो भावनाएँ हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी जो प्लेटो ने चर्चा की है उसका वर्णन रिपब्लिक के अंतिम अध्याय में मिल जाता है। उसी तरह से यथार्थवाद की जो संकल्पना है वह भी इसी के रूप में देखी समझी जा सकती है तथा विश्व अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट है वो टाइमेकस से लिया गया है और यथार्थवाद के सिद्धांत के अंतर्गत जो चतुर्विद्या का सिद्धांत है जिसमें गणित रेखा गणित ज्योतिष और संगीत विद्या को स्थान दिया गया है वह भी प्लेटो के द्वारा वर्णित किया गया है और उसे पाठ्यक्रम में ढाला गया है। अतः जो प्लेटो के आदर्श राज्य की संकल्पना है वह वास्तव में पहले रही है या यूँ कहें कि पहले की सभ्यताओं में उसका अस्तित्व रहा है और उसी के आधार पर प्लेटो ने इसको देखा समझा है तथा निर्मित किया है। अब एक प्रश्न उठता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की जो संकल्पना है वह वास्तव में क्यों महत्वपूर्ण है। तो व्यवहारिकता किसी आदर्श के लिए अनिवार्य शर्त नहीं बन सकती है, वह इसलिए महत्वपूर्ण है। आदर्श जब हमारे सामने उपस्थित होगा तभी हम व्यवहारिकता का या यूँ कहें कि यथार्थ परिस्थितियों का वास्तविक मापदंड या मूल्यांकन कर सकते हैं। आदर्श राज्य का मॉडल जब हमारे समक्ष उपस्थित होगा तभी हम वास्तव में यथार्थ में वर्तमान मौजूदा राज्य यानी वर्तमान में जो राज्य उपस्थित है उसकी कमियों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अतः यथार्थ में सुधार के लिए परिमार्जन के लिए हमारे समक्ष आदर्श का उपस्थित होना नितांत अनिवार्य है। प्रोफेसर नेटल शिप ने कहा है कि आदर्श के संबोधन में एक ओर यह सन्निहित होता है कि वह कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और दूसरी ओर यह विदित होता है कि वह निरंतर प्राप्त होने की ओर अग्रसर है। यानी जब हमारे सामने आदर्श उपस्थित होगा तभी हम निरंतर परिमार्जन और इम्प्रूवमेंट की तरफ अग्रसर होंगे। सेबाइन ने कहा है कि आदर्श राज्य की संकल्पना को समझने के लिए हमें वास्तव में प्लेटो के दिमाग को समझना जरूरी है क्योंकि प्लेटो का जो दिमागी रुझान था वह वास्तव में वैज्ञानिक था। इसका मतलब यह था कि उनका जो सिद्धांत है वह केवल वर्तमान राज्य से ही संतुष्ट नहीं था वरन भविष्य के आदर्श राज्य का ताना बाना भी निर्मित करना चाहता था। और यह बात अवश्य ही विरोधाभासी लगती है किंतु वास्तव में जो हमारी कल्पना है उसे यथार्थ में चित्रित करने के लिए आदर्श की संकल्पना को गढ़ना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अतः कहा जा सकता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की जो संकल्पना है वह वास्तव में एक आदर्शवादी संकल्पना है तथा सत्य के निकट है। अतः उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है। आशा है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तथा आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर जो भी वर्णन किया गया है वह भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।